ये वाली स्मार्ट वॉच मैंने यूज की, इसमें सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो देख लो, ये है जीरो आर्मर। ये आती है आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच जैसी कुछ आपको देखने को मिलती है, ये राउंड डायल वाली देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कुछ आपको बॉक्स से कुछ स्पेसिफिकेशन है, पीछे भी कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की गए हैं। हाँ, इनका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये जितनी भी वॉचेज आती है ना जीरो ब्रांड की, सारी ऐसी देखने को मिलती है। ऐसे इसको खींच के ऐसे बाहर निकालना पड़ता है और यहाँ से पुल करके इसको बाहर निकालेंगे। एक साथ में छोटा सा बॉक्स दिया गया जो कि सारी जो वॉचेज आती हैं वैसा ही देखने को मिलता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये साथ में आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है और साथ में कुछ यूज़र मैनुअल और गार्ड देखने को मिलती है। इसमें लव लेटर भी लिख सकते हो आप, काफ़ी सारे बड़े बड़े यूज़र मैनुअल है। भाई हम प्रो लेवल के बंदे हैं, हम नहीं यूज़र मैनुअल पढ़ते। साथ में एक चार्जर दिया गया जो कि आपको ये डॉक टाइप दिया गया, वायरलेस चार्जर नहीं है। इसमें वायरलेस चार्जिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी क्योंकि वो नेसेसरी है भाई। अब कहाँ ये पिन ढूंढ के निकालते रहोगे, पिन ढूंढो फिर इसके अंदर रखो, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और लास्ट में हमारी ये स्मार्ट वॉच दी गई है, ये रही। इस वॉच की एक्चुअल प्राइस 25,550 रुपये, लेकिन आपको आज़ादी सेल में जस्ट ये 9,000 में देखने को मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको ये 9,000 में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका फुल रिव्यू पहले देख लो, आखिर ये स्मार्ट वॉच कैसी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी ड्यूरेबिलिटी की। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल साथ में आते हैं, ज़्यादा ज़ोर से खींचूंगा शायद टूट जाए, लेकिन जितने मैं फोर्स लगा रहा हूँ इतनी भी नहीं लगानी चाहिए इनको। काफ़ी अच्छे आपको ड्यूरेबल देखने को मिलते हैं। इसके स्ट्रैप आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड किए गए, और इसके जो ये स्ट्रैप पर आता है ना, यहाँ पर जीरो ब्रांड का लोगो भी दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये ब्रांडिंग पर काफ़ी अच्छा फोकस करते हैं। साथ में इन्होंने साइड पर एक क्राउन दिया गया है, इसमें भी जीरो का लोगो आता है। भाई जीरो की ब्रांडिंग तो काफ़ी अच्छी करते हो। ये क्राउन वर्किंग है, आप इसके साथ काफ़ी सारे काम कर सकते हो जो कि आगे चल के आपको बताता हूँ। साथ में ऊपर आपको एक बटन दिया गया है जिसके साथ मेन्यू आता है, और नीचे आपको एक बटन दिया गया है जिसके साथ स्पोर्ट्स मोड आपके सारे खुलते हैं। और नीचे देखेंगे तो नीचे आपको कुछ सेंसर दिए गए और चार्जिंग पॉइंट दिए गए, और ये काफ़ी रगड़ मटेरियल के साथ में आता है। आपको अलॉय एलुमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है जिसकी वजह से इस स्मार्ट वॉच को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। रगड़ स्मार्ट वॉच है, ये गिर भी जाती तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, मैं आपको पहले बता रहा था मैं जीरो स्मार्ट बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ, जीरो बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ। उसमें एक मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली डिस्प्ले के स्क्रैच आने की, तो इसमें भाई वो भी नहीं आएंगे क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी अंदर टाइप है। अगर आप इसमें यूज़ भी करोगे कहीं लगता वगता भी है तो आपके डिस्प्ले पर स्क्रैच वगैरह नहीं आने वाले। एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ, ये वाली जो वॉच है ना इसकी आउटडोर ब्राइटनेस काफ़ी तगड़ी है भाई। सच में जब मैं इसको बाहर ले गया ना, अब ये मैंने जो वॉलपेपर लगाया हुआ है राउंड टाइप वाला, ये वाला भाई बाहर जाके धूप में यूज़ करूँगा ऐसा लगेगा नहीं मैं स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा हूँ। ये ऐसे लगता है मैं सादी वॉच यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ऐसे पहले से ही ना ये लगा हुआ है, स्टीकर वगैरह लगे हुए और ऊपर जो सुइयाँ ये चल रही हैं, तो भाई ज़रा सा भी मुझे फील हुआ कि ये एक स्मार्ट वॉच है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी गुड है। अब तो मैं स्मार्ट वॉच चूज़ कर रहा हूँ ना, अब मैं जब भी बाइक पे कहीं जा रहा होता हूँ ना, तो मेरा मोबाइल फ़ोन मेरी पॉकेट में होता है या फिर मेरे बैग में होता है, कॉल आती है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉल सुन भी सकता हूँ और आवाज़ मेरी जाती भी है। यहाँ पर स्पीकर और माइक दोनों इसमें अवेलेबल देखने को मिलते हैं। और अगर ये आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में, तो सिंपली एक ऐप इंस्टॉल करनी है डार्फिट के नाम से, जिसके साथ आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। सिंपली आपने इंस्टॉल करके परमिशन दे देनी है, देन आपको शो करेगा कि आपके आसपास आर्मर वॉच है, देन क्लिक करोगे तो ये आपस में खुद ही पेयर हो जाएंगी। अब इस ऐप को देखूँ ना, तो इस ऐप में इतने ज़्यादा फीचर अवेलेबल नहीं है जितने इनके ऑफिशियल ऐप जीरो लाइफस्टाइल वाला ऐप है ना उसमें ज़्यादा फीचर आते हैं। बाकी अगर देखा जाए ना, इसका ऐप बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है। 100+ आपको वॉच फैसिलिटी भी ऐप में देखने को मिलते हैं। अपने हिसाब से कोई पिक्चर लगाना चाहते हो देन ऐप में वो भी लगा पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन आए व्हाट्सएप के, फेसबुक के और बाकी जितनी सारी ऐप्स हैं, तो वो भी आप इस ऐप में से एक्टिव कर पाओगे। अब इस स्मार्ट के अगर लुक को देखोगे ना, तो लुक काफ़ी कूल आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ऊपर आपको गोल्ड डायल दिया गया है जिसके ऊपर आपको एलुमिनियम का ये डायल है, और ये काफ़ी रगड़ लग रहा है मुझे। साथ में आपको इस साइड पे राइट साइड पे तीन बटन दिए गए। सबसे पहला जो बटन है वो मेन्यू के लिए, इसमें मेन्यू आता है। नीचे आपको एक क्राउन दिया गया जो कि वर्किंग है। अगर आप इसको घुमाते हो ना, तो इसमें मेन्यू में जितने भी आइकन्स हैं, जितनी भी सेटिंग है, ये चेंज होती नज़र आती हैं आपको। और ये सेटिंग आप टच के साथ भी चेंज कर सकते हो क्योंकि ये वॉच पूरी आपको टच भी देखने को मिलती है। और तीसरा बटन आपको स्पोर्ट्स मोड का दिया गया, जिसको आप क्लिक करोगे स्पोर्ट्स मोड खुल जाता है। इसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किए गए जो कि आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से यूज़ कर पाओगे। अब अगर इसके यूआई को एक्सप्लेन करूँ, तो सबसे पहले अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो आपको मोबाइल की तरह कुछ सेटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें सेटिंग है, साथ में आप ब्राइटनेस कंट्रोल दे सकते हो, साथ में आपको वाइब्रेशन का बटन दिया गया,
एक QR कोड का ऑप्शन दिया गया जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, थिएटर मोड दिया गया जिसको आप क्लिक करके इसमें ब्राइटनेस काफ़ी कम हो जाती है, साथ में पावर सेविंग बटन दिया गया और आपको यहाँ पर वेदर भी प्रोवाइड किया गया, ऊपर डेट आती है और साथ में टाइम आता है और यहाँ पर साथ में दिन भी आ रहा है और ऊपर आपको इसकी चार्जिंग देखने को मिलती है। और नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करूँगा तो मेन्यू आ जाता है और लेफ्ट की तरफ स्वाइप करूँगा तो AI वॉइस आ जाता है। ये आपका गूगल असिस्टेंट या फिर आपकी सीरी है जो एप्पल में यूज होती है उसको एक्टिव कर देता है। उसके आगे आपको वेदर देखने को मिलता है, वेदर के आगे आपको शटर बटन दिया गया जो कि आपने मोबाइल फोन के साथ आप तस्वीरें खींच सकते हो और उसके आगे प्लेयर आता है जिसके साथ आप अपने मोबाइल फोन में भाई म्यूजिक चला सकते हो और आवाज़ यहाँ पर आएगी और साथ में ब्रीथ का ऑप्शन है, मतलब आप ये एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हो तो वो भी इसमें कर पाओगे। अब अगर इस स्मार्ट वॉच को देखा जाए तो स्मार्ट वॉच काफ़ी सॉलिड है, तगड़ी है, गिरती विरती तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर आप ज़्यादा कहीं पे यूज़ करते हो ना जहाँ पर स्क्रैच आने के ज़्यादा चांसेस है तो यहाँ पर कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा। साथ में ये IP67 की रेटिंग साथ में आता है तो वाटर प्रूफ देखने को मिलती है आपको, अगर आप वजू वगैरह भी करना चाहते हो तो इसके साथ वजू भी कर सकते हो, आपकी वॉच को इसके साथ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी स्मार्ट वॉच देखा जाए तो काफ़ी रगड़ देखने को मिलती है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।